pantalla del foto. इस्माइल हुंडरे इनका रेडियम राबिया रेडियम की बिजनेस है और आपके पास इस एरिया में अगर रेडियम का काम करने वाला यहाँ महफूज और नजदीक में कोई अगर है तो वो अनवर ही वो बदरुद्दीन हुंडरे ही है। अकदस प्रकार और हाशिम प्रकार हमें आ रहे हैं, हमारे ग्राउंड पर तशरीफ ला रहे हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं अकदस प्रकार और हाशिम प्रकार का। इसी तरह संजय सोफा सेट नवीद भाई इस्माइल नवीद इस्माइल ओड्रे साहब का संजय सोफा सेट और इस बीच दौड़ना शुरू किया बॉलर है और ये कैच हवा में हो सकती थी। अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद अब्दुल लतीफ के बल्ले से टकराई गेंद, इस गेंद पर कोई रन नहीं हासिल हो सका। तौसीफ एक अच्छे गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, बल्लेबाजों को बहुत कम मौका देते हैं कि वो खुलकर खेले, लेकिन अब्दुल लतीफ एक तेज खेलने वाले बल्लेबाज, बहुत अच्छी गेंद बल्ले के करीब से होते हुए विकेटकीपर के दस्तानों में गई और ये इसी तरह के गेम की तवक्का की जा रही है शायद इन क्रिकेट को। ये दिलचस्प मुकाबला आखिरी गेंद तक चलने वाला मुकाबला हो सकता है। 53 रन बनाए, 54 रनों का हदफ है, सुशील का भी इस्तकबाल है। इस बीच दौड़ना शुरू करेंगे एक मरतबा फिर, तौसीफ है बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं अब्दुल लतीफ, फिर से खेला जब तक फील्डर तक गेंद पहुंचती, एक रन तेज कदमों से हासिल कर लिया। बल्लेबाजों के लिए बहुत मौके हैं, बहुत बड़ा और लंबा हदफ जो नजर आता है वो बहुत ही कम और चलते उबर करने का काम कर सकते हैं वो बल्लेबाज जो फील्ड पे ध्यान रखे, बस बड़े हिटे लगाने की जो बल्लेबाज कोशिश करते हैं कभी कभी उस वक्त वो गेंदों को जाया कर देते हैं और वो गेंद ही उनके लिए कीमती साबित होती है। इस बीच बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं एक बार दबा फिर, बहुत अच्छा शॉट खेला है और गैप में भी है, ये 4 रन दे जाएगा उनको। तौसीफ की पटकी हुई गेंद थी, पूरा मौका था बल्लेबाज के पास, कोई फील्डर नहीं वहां पर, गेंद पलक झपकते हुए बाउंड्री लाइन पार कर गई और ये कीमती 4 रनों का इजाफा हुआ। अच्छे लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, यकीनन बड़ा एक अच्छे बल्लेबाज है, बासलाहियत बल्लेबाज है, अच्छी बैटिंग करते हैं जबकि नॉन स्ट्राइक पे अब्दुल लतीफ साहब है और वो तो यकीनन टू स्टार तरकारी वाले अनवर भाई और अमीन भाई, आपको जब तक किसी तरकारी या किसी शादी में कोई भी बहुत ज्यादा तरकारी की जरूरत हो तो अनवर भाई से और उनसे रब्ता करें। फैसले क्लोज लेना पड़ेगा ना, लग ले
वाइड बॉल है ये। इस दरमियान अच्छी गेंद जरूर थी लेकिन और इस बीच दौड़ना शुरू किया। बहुत बारीक नजर की जरूरत होती है लेकिन क्या करेगा। यहाँ देखिए जहाँ एक रन हो सकता था फैसल ने वहां चार रन दे दिए। दौड़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल गेंद पर अगर नहीं आते और अपनी जगह पे खड़े रहकर क्रॉस दौड़े होते तो ये मैच ये रन एक की जगह दो हो सकते थे। मिसफील्डिंग के नतीजे में चार कीमती रनों का स्कोर में इजाफा हुआ और ये अब्दुल लतीफ के बल्ले से निकलने वाला बेहतरीन शॉट था। एक मरतबा फिर गेंद करेंगे अब्दुल लतीफ को, यह हवा में गेंद है लेकिन फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। इस ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 11 रन, जीत के लिए कुल 54 रनों की जरूरत है। नाइफ मोटर्स दाऊद भाई चरफड़े हमारे यहाँ मौजूद है। आपको किसी भी तरह से कोई गाड़ी खरीदने है या कोई 11 रन है 11 रन बने एक ओवर के मुकम्मल होने के बाद। अनुज आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछले मैच में बहुत ही कसी भी गेंदबाजी की थी अनुज ने लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाज बंडे और अब्दुल लतीफ है जो तेज खेलना और हिटिंग करना ही पसंद। करीब से करीब ले जाने वाला स्कोर बनाते रहे। इस बीच अनुज के हाथ में है कि सामना करने के लिए तैयार है पंड्या। पहले ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर 11 रन है। अनुज ने पहले मैच में बेहतरीन बॉलिंग की थी और यकीनन उस मैच में उनके बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत उस मैच में फतह भी हासिल हुई थी उनकी टीम को। देखना है इस मैच और इस बार अनुज की गेंद को हिट लगाया फील्डर ने, गेंद कैच करने में कामयाब हो गए। बेहतरीन विकेट हासिल किया है ये। अनुज की गेंद पर विकेट हासिल हुआ है। देखना है इस बीच विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं दोनों अंपायरों ने सही माना के इस बीच कॉल जरूर हुआ है लेकिन अनुज अभी तक किस अच्छी गेंदबाजी करते आए हैं। देखना इस बीच आगे क्या होता है लेकिन अनुज की गेंद पर अत्यंत बेहतरीन विकेट हासिल हुए और आउट होने वाले बल्लेबाज है पंड्या। इससे पहले मैच में भी अनुज ने अपने बॉलिंग से अपनी टीम के लिए देखना है इस बीच पंड्या के आउट होने के बाद बहुत अच्छा शॉट खेला था पंड्या ने। जितनी तारीफ की जाए कम है लेकिन फील्डर जगह पे मौजूद थे वरना यकीन है कि बाउंड्री लाइन पार कर सकती थी। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे जिस जगह फील्डर थे उसी जगह पर गेंद गई थी। इस बीच गेंद करने के तैयार है अनुज नए बल्लेबाज अब्दुल लतीफ स्ट्राइक पे। एक बार दबा फिर अच्छी गेंद एक रन बना और ये एक ही रन बनेगा। ग्राउंड में नहीं जाइए आप ग्राउंड में नहीं जाइए। अनुज है बॉलर इस ओवर पे एक रन हासिल हो गया था। दौड़ा शुरू किया अंपायर तो क्रॉस किया
जलील भाई और अनवर भाई सब जा रहे हैं ग्राउंड पर, देखें वो क्या फैसला लेते हैं। इस बीच देखना है जलील भाई, आसिफ भाई और दीगर लोग, इस तरह नो बॉल करार दिया, नो बॉल करार दिया अंपायर ने। गेम को ज़्यादा देर तक न रोके, समझ से काम ले, दोनों भी टीम के खिलाड़ियों से गुजारिश है, इस तरह से गेम नहीं होता। आप बेहतर गेम स्पीड दिखाइए और अपना बेहतर गेम दिखाइए, अगर कोई फैसला इधर उधर हो गया है तो एक हाथ फैसले को तो आप मानना पड़ेगा, इस तरह से नहीं चलता। इतने सारे टूर्नामेंट लगातार हमारे यहाँ हुए है और अभी इस तरह से कोई भी मैच में ऐसा नहीं हुआ है। आप अगर अपने फैसले से फौरन गेम बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये बेहतर नहीं होता। आप गेम खेलिए या मैनेजमेंट से बात कीजिए, गेम छोड़ कर जाने वाली बात नहीं करना चाहिए। किसी भी टीम ने, दोनों टीमों से गुजारिश है कि समझ से काम लें और मैनेजमेंट का फैसले का इस्तकबाल करें और एहतराम करें उनका। गेम स्पिरिट को बताइए यहाँ पर, बिल्कुल हम आपके जो भी फैसला रहेगा उसका बिल्कुल 100% एहतराम करेंगे उसका, लेकिन अंपायर की बात, मैनेजमेंट की भी बात मानना चाहिए। जो भी है डिसीजन बिल्कुल अच्छे से ले लें। बाकी के जितने दर्शक हैं उनसे गुजारिश है कि वो क्रिकेट ग्राउंड के बाहर हो जाए ताकि खेल जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। जितने भी लोग शायकीन जो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग बराए मेहरबानी थोड़ा बाहर हो जाए, उनको फैसला करने में आसानी होगी। अंपायर और मैनेजमेंट और जो जिम्मेदारान है वो मिलकर के फैसला कर रहे हैं। दोनों भी टीमें उनके फैसले का सम्मान करेगी, हम यही उम्मीद रखते हैं दोनों भी टीमों से।
अर्खल के दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर उस वक्त दोनों भी टीमों से यह है मौतबारा गुजारिश है कि जल्दी से शुरुआत करें। स्कोर अभी का यह नो बॉल रहेगा और इस पर फ्री हिट रहेगी। हाँ बता तो है, वन मिनट जी आपको बिल्कुल स्कोर करके यहां पर बताया जा रहा है और दोनों टीमों के कैप्टन और दोनों टीमें सुन ले के अब लाइव मैच के अंदर जो भी फैसला रहेगा वो अंपायर का लास्ट डिसीजन रहेगा। जो भी फैसला अंपायर देगा के रखो बोलो। जो भी डिसीजन रहेगा ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन रहेगा, उधर से जो भी डिसीजन आएगा उसको दोनों टीमों को मानना पड़ेगा। मैच शुरुआत की जाए, बराए मेहरबानी प्लीज थोड़ा सा सामने सर जाए। नो बॉल था ये। जी अभी अगर अंपायर नो देता है जी, फिर से इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई रोमांचक मुकाबला। यहां पर रन स्कोर है 13 रन। ये नो बॉल रहेगी, फ्री हिट रहेगी इस गेंद के ऊपर। फिर से तैयार बच्चे, जरा थोड़ा साइड में हो जाए। इस गेंद को फिर से वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। जो बॉल नो दी गई थी अंपायर के डिसीजन के ऊपर, उस नो बॉल को कायम रखा गया है और फ्री हिट जी। नो बॉल का रन काउंट हो चुका है, उसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन और इस गेंद के ऊपर फ्री हिट। अब अंपायर डिसीजन इस लास्ट डिसीजन, फिर से देखें यहां पर बिल्कुल बॉलर तैयार अनुज, बॉलिंग मार्च पर अनुज, राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद थी, उठा करके मारा है उसको और दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया। इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। इसके बाद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, फिर से अनुज तैयार राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी बॉलिंग, अच्छी वापसी की है यहां पर अनुज ने, राइट आर्म राउंड द विकेट। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और बेहतरीन गेंद थी यहां पर, कोई भी रन नहीं यहां पर और ये अंपायर का इशारा आउट, यहां पर आउट करार दिए गए हैं। दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर अर्खल को और स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 रन। यहां से तमाम लोग देख भी रहे हैं, मैनेजमेंट भी गौर कर रही है, बिल्कुल भी अगर इस किस्म की कोई भी गेंद रहेगी तो आपके साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, दोनों भी टीमों के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, इसका आप ख्याल रखें बिल्कुल और जो गेम स्पिरिट है उसको बनाए रखें। यहां पर फिर से तैयार 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है यहां पर अर्खल को। 2 विकेट अर्खल गमा चुकी है अपने और स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अनुज राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, उठा करके मार दिया है उसको और गेंद सीधा जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ और बिल्कुल वन टैप के साथ में सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और इसी 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है
18 रन, 3-2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जी बिल्कुल, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर और उतनी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर। जीतना है तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी गिरने नहीं देना है यहां पर, और आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक गेंद खराब है तो। और ये बेहतरीन बल्लेबाजी, फिर से यहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद पहुंचते हुए 4 रनों के लिए, और इसी 4 रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा है 22 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बिल्कुल हो सकता है अपने जहन से जो कुछ हो चुका है वो भूल जाए और जो आने वाला है उसकी तरफ ध्यान दे, तो सब कुछ हम कर सकते हैं। वो ओवर भी खत्म हो चुका है और काफी बड़ा ओवर, तकरीबन 1 घंटा लगा है उस ओवर के लिए। यहां पर फिर से यहां पर दोनों भी बल्लेबाज मुस्तहिद तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। फैसल खुद कैप्टन है जो इस टीम के, वो तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं अपने कोटे का पहला, और अपने टीम के लिए, अपने इस इनिंग के लिए तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं फैसल। सामना करने के लिए तैयार, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 22 रन। जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत, टारगेट 54 का है। देखना है टारगेट को चेस कर पाते हैं या नहीं। सलमान आए हैं, सॉरी बॉलिंग पर आए हैं सलमान राइट आर्म वर्द विकेट करने के लिए। काफी लंबा रन अप है यहां पर सलमान का, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद थी वहां पर, लेग साइड के ऊपर जाती हुई गेंद, और वहां पर अंपायर का इशारा वाइड, और तब तक के वाइड दी जाती, दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया और उसे 1 रन के साथ, और 1 रन वाइड का 2 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया है 24 रन। दो विकेट के नुकसान के ऊपर सलमान फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए। तमाम खिलाड़ी मुस्तहिद अपनी अपनी जगह को संभालते हुए, तमाम दर्शक भी देखते हुए। बहुत ही रोमांचक मुकाबला यह होता हुआ काफी देर से, और उठा करके मार दिया है बेहतरीन अंदाज में, और बाउंड्री लाइन के पार गेंद जाती हुई सीधा 6 रनों के लिए, और इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अपने बल्लेबाजी पर भरोसा सीखिए, खुद पर भरोसा सीखिए तो हर मंजिल आसान हो जाती है, और बिल्कुल वही करके दिखाया है अलखल की टीम ने। आज अपने प्लेयर पर और अपने आप पर भरोसा जताया, और इस 2 मिनट के भरोसे का देखिए आज नतीजा थोड़ा अच्छा निकलता हुआ। फिर से तैयार यहां पर सलमान बैटिंग करने के लिए, दोनों बैट्समैन मुस्तैद। सलमान हल्के हल्के कदमों से यहां पर, अच्छा काफी लंबा रन ऑफ लेते हुए यहां पर सामना कर रहे हैं अभी लतीफ। बिग हिट मारे हैं अभी लतीफ ने। सलमान राइट ओवर द विकेट, फिर से उठा करके मार दिया है लतीफ ने, और उसी तरीके से अंजाम तक के पहुंचा दिया है गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। धुआंधार और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए यहां पर लतीफ, जो अभी तक के खामोश बैठे थे। बिल्कुल हम तब से यही कहना चाहते थे कि अगर जवाब देना है तो जबान से ना दे, बॉल से और बल्ले से जवाब दे अपना, और आज वो और अभी बल्ले से जवाब देते हुए बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लतीफ 2 छक्कों के साथ में अभी स्ट्राइक पर बिल्कुल मौजूद, और मुस्तहिदी के साथ में बल्लेबाजी करते हुए, और स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखना है फिर से, लतीफ अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी काबिलियत रखते हैं अपने अंदर, अच्छे बिग हिट मारने की सलाहियत रखते हैं, और उसी सलाहियत को यहां पर सही इस्तेमाल करते हुए लतीफ। सलमान हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, फिर से उठा करके मारने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले का और बॉल का कोई भी सामना नहीं हो सका, कोई भी एक दूसरे से सामना नहीं कर पाए, और गेंद गई है सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर डॉट के रूप में, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 36 के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीत की तरफ दोनों भी टीमें, दोनों की तरफ ये भी 50-50% ये मैच है। देखना है जो अपने आप का 100% एफर्ट देता है वही टीम इस टूर्नामेंट के लिए आगे बढ़ पाएगी। हल्का सा प्लेसमेंट कर दिया लेग साइड के ऊपर, और आउटफील्ड काफी तेज है, और बॉल यहां पर जीत जाएगी, और जी हां बिल्कुल बॉल जीत गई है यहां पर, और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। काफी अच्छी गेंदबाजी हुई थी अभी तक के, लेकिन इस ओवर के अंदर काफी रन लौटा चुके हैं सलमान अपनी टीम के लिए।
स्कोर जा पहुंचा है 40 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए सिर्फ 14 रनों की जरूरत। बेहतरीन गेंदबाजी हो सकती थी अगर थोड़ा कंट्रोल में सलमान गेंदबाजी करते, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से बल्लेबाजों ने खूब फायदा उठाया और बड़े बड़े हिट लगा डाले। सलमान राइट ऑन द विकेट, सामना करेंगे फिर से लतीफ, अच्छा घुमा दिया है, फिर से उसी दिशा में घुमा दिया, लेकिन इस बार फील्डर वहां पर मौजूद है, फील्डर फील्ड कर पाता, दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया और दूसरे के लिए भी निकल पड़े हैं और दौड़ करके दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया। रन आउट हो सकते थे अगर थोड़ी मुस्तैदी और चुस्ती के साथ फील्डिंग की जाती, लेकिन थोड़ा थ्रो लेट आया जिसकी वजह से यहां पर बाल बाल बचे हैं बैट्समैन रन आउट से और स्कोर जा पहुंचा है 42 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी यहां पर बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी होती हुई, देखने आगे के बॉल के ऊपर क्या होता है। सलमान हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, सामना करेंगे लतीफ, फिर से इस बार फिर से उठा करके मार दिया आउटसाइड के ऊपर और इस बार तो पकड़ना नामुमकिन है शायद, और बिल्कुल जी हां बिल्कुल हो सकता था, लेकिन वहां पर काफी अच्छी और काफी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए यहां पर और शायद अपनी टीम के लिए यहां पर कुछ रन बचाते हुए। अंपायर लास्ट कितने रन है, तीन रन जी, शुक्रिया। टोटल 3 रन आखिरी बॉल पर जो ऑफसाइड के ऊपर बेहतरीन अंदाज में कट किया था उस पर दौड़ करके 3 रन मुकम्मल कर लिए और इसी 3 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 45 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए 6 गेंदों के अंदर 9 रन की जरूरत। गेम जल्दी से जल्दी शुरुआत करें अंपायर, इसके बाद जो कुछ भी जरूरत है फौरन ले जाकर दे दे। इसके बाद एक मुकाबला होना बाकी है क्वार्टर फाइनल का, जो टीम इसमें से जीतेगी वो मंडनगढ़ के साथ क्वार्टर फाइनल का राउंड खेलेगी। मंडनगढ़ के कैप्टन से गुजारिश है कि वो यहां पर आ जाए, मंडनगढ़ के कैप्टन कॉमेंट्री बॉक्स के अंदर पहुंच जाए। जी अंपायर जल्दी से जल्दी मैच को शुरुआत करे, 6 गेंदों के अंदर 9 रन की जरूरत है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 45 रन के ऊपर और जीतने के लिए टारगेट है 54 रन का। तो अगर लीगली तौर पर देखा जाए तो 6 गेंदों के अंदर बिल्कुल 9 रनों की जरूरत और देखना है कितने जल्दी इस हदफ को पार कर लेते हैं, क्योंकि आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दोनों भी बल्लेबाज यहां पर अभी उनको जीत बिल्कुल करीब नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो जीतने के करीब है, लेकिन मैच का कुछ भी हो सकता है। आखिरी बॉल तक के हम बता नहीं सकते कि ये किस नतीजे पर पहुंच सकेगी मैच। दोनों अंपायर फिर से अंपायर दोनों से गुजारिश है कि प्लीज जल्दी से जल्दी इस मैच को की शुरुआत करें। आखिरी बॉल लेकर आए हैं सऊद, राइट ऑन द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे लतीफ। फुल टॉस गेंद थी, उसको मारना चाहते थे लेकिन कलेक्ट नहीं हुई बॉल, तब तक के दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया और दूसरा रन भी आसानी के साथ दौड़ करके मुकम्मल किया। थोड़ा सा मिसफील्ड होती हुई वहां पर और थ्रो कलेक्ट नहीं कर पाए जिसकी वजह से 2 रन का खमियाजा भुगतना पड़ा और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी 5 गेंदों के अंदर 7 रन की जरूरत। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, मुकाबला किसी भी करवट बैठ सकता है। अभी तक के बिल्कुल ये निश्चित करना और बिल्कुल ये तय करना कि ये मुकाबला यही टीम जीतेगी, ये बहुत पहले की बात हो जाएगी जब तक कि आखिरी गेंद ना हो जाए। फिर से अच्छी गेंद, बेहतरीन वापसी करते हुए यहां पे गेंदबाज और डॉट के रूप में गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के पास और अभी भी 4 गेंदों के अंदर 7 रन की जरूरत। अच्छे अंदाज में मुकाबला होता हुआ, जो टीम अपना 100% एफर्ट देगी वो इस मुकाबले को जीतेगी। 4 गेंदों के अंदर काफी दबाव के अंदर दोनों भी बल्लेबाज और गेंदबाज भी। फिर से उठा करके मारने की कोशिश लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए, दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, देखना है दूसरा भी मुकम्मल होता है कि नहीं। और इस बार पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पहुंच चुके हैं, अंपायर ने कोई डिसीजन अभी तक के नहीं दिया है, बिल्कुल अंपायर की निगाहें बिल्कुल वहीं पर मुस्तैद है और जी बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है और अभी भी
स्कोर जा पहुंचा है 49 रन पर। तीन गेंदों के अंदर 5 रन की जरूरत। देखना है इस मुकाबले के अंदर क्या होता है। हर लम्हा हर बार ये मुकाबला अपने अंदर रोमांचक पैदा करता हुआ, अपने अंदर एक अलग ही किस्म का अंदाज पैदा करता हुआ। जब से ये मुकाबले की शुरुआत हुई है तो ये हर गेंद के ऊपर हर बॉल के ऊपर अपने अंदर एक अलग ही तरीके से रोमांच, यहां पर रोमांच पैदा करता हुआ यह मुकाबला। फिर से तैयार, तीन गेंदों के अंदर 5 रन की जरूरत। फिर से तैयार, यहां पर सऊद सामना करने के लिए लतीफ राइट ओवर द विकेट। तीन गेंदे 5 रन उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन फिर से कलेक्ट नहीं कर पाया और इस बार आउट होने का चांस था, बिल्कुल भी चांस मिस किया और दौड़ करके तब तक के मिस फील्ड वहां पर और बहुत ही खराब थ्रो जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। चाहे अगर वो आउट हो सकता था तो एक विकेट भी गिर सकती थी, रन भी बच सकते थे, लेकिन बहुत जल्दी की है, आराम से अगर थ्रो लगाकर भी आउट करते तो आउट हो जाते थे। दोनों गेंदबाज दोनों बल्लेबाज यहां पर थक चुके हैं रनिंग करते करते, रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतरीन करते हुए दोनों भी बल्लेबाज यहां पर, और ऐसे वक्त के अंदर हिट लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि सूझबूझ के साथ और दिमाग लगा करके एक अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए। दोनों भी बल्लेबाजों से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी शुरुआत करें, अंपायर से भी गुजारिश है कि प्लीज वक्त कम से कम ले। दो गेंदों के अंदर 3 रन की जरूरत। दो गेंदों के अंदर 3 रन की जरूरत। अब देखना है क्या होता है। बहुत ही एक अच्छे मोड़ पर यह मुकाबला आ चुका है, बहुत खूबसूरत मोड़ पर यह मुकाबला आ चुका है। फुल टॉस गेंद, उसको मारने की कोशिश, फील्डर उसके नीचे लेकिन काफी दूर, उससे दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया, दूसरे के लिए दौड़ पड़े और इस बार रन आउट का चांस। तकरीबन हर बॉल पर टीम ने रन आउट का चांस यहां पर गंवाई है और शायद इस मैच को भी गंवाने के बिल्कुल करीब है, और 2 रन दौड़ करके मुकम्मल कर लिया और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। जीतने के लिए एक बॉल पर 1 रन की जरूरत। स्कोर लेवल हो चुका है, जीतने के लिए सिर्फ एक गेंद पर 1 रन की जरूरत। यहां पर देखना है क्या होता है। समझ बूझ के साथ बल्लेबाजी की जरूरत और गेंदबाज को भी जरूरत है कि वो बिल्कुल अपने टीम को एक साथ लेकर के 1 गेंद 1 रन की जरूरत। और अगर ये मुकाबला टाई होता है तो बॉल आउट के जरिए से इस मुकाबले का अंतिम फैसला, अंतिम जो नतीजा है वो निकाला जाएगा, आखिरी नतीजा जो है बॉल आउट के जरिए से निकाला जाएगा। स्कोर लेवल हो चुका है, स्कोर लेवल 53 हो चुके हैं। जीतने के लिए एक बॉल 1 रन की जरूरत। और आखिरी गेंद अगर बोल कर देते हैं, कैच आउट कर देते हैं तो बिल्कुल एक चांस मिल सकता है बॉलिंग की टीम को, फील्डिंग करने वाली टीम को, और अगर बैटिंग वाली टीम हल्का सा प्लेसमेंट करके एक रन भी निकाल लेते हैं तो बिल्कुल क्लियरली जीत सकते हैं। दोनों के पास बराबर का मौका, आखिरी गेंद, सब फील्डर मुस्तैद यहां पर। देखना है इस गेंद के साथ में क्या होता है। तमाम दर्शक भी आखिरी गेंद का नजारा करते हुए, तमाम शायकीन जल्दी से जल्दी फील्डिंग लगा ले और आखिरी गेंद को जल्दी से यहां पर डाल दे। दोनों पैर अंपायर, आखिरी गेंद है, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, प्लीज नो कॉमेंट्स। अंपायर जल्दी से फैसला ले। एक गेंद के ऊपर 1 रन की जरूरत। एक गेंद के ऊपर ओके ओके जी, पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग अभी कहीं भी लग सकती है। एक गेंद के ऊपर 1 रन की जरूरत है और वो चाहेंगे कि अपना 1 रन बचा ले और सामने वाली टीम चाहेगी कि 1 रन को निकाल ले, और दोनों के दरमियान में बल्ले के और बॉल के दरमियान में ये आखिरी गेंद का मुकाबला। फिर से तैयार सऊद, देखना है सऊद के हाथों में अपनी टीम की साख है, उधर बल्लेबाज के हाथ में अपनी टीम की इज्जत है। देखना है कौन इस मुकाबले को जीतता है
और जी जिसकी भी होगी क्रिकेट की होगी बिल्कुल अच्छे अंदाज में और आखिरी बार बिल्कुल सही वक्त पर फील्डिंग करके सही थ्रो आखिरी गेंद पर लगाया और इस मुकाबले को टाई तक के पहुंचाया है और जीत से बिल्कुल मुंह के करीब लाकर जो है तो छीन लिया है जीत को यहां पर। और ये बॉल आउट के जरिए मुकाबला होगा, अंपायर दोनों भी अंपायर से गुजारिश है तीन तीन बॉल डाले जाएंगे, तीन गेंदें डाली जाएगी और जो ज्यादा हिट करेगा स्टंप को वो जीत जाएगा। तीन तीन गेंदें डाली जाएगी और अगर जिसकी गेंदें स्टंप को हिट करती है, टाइम नहीं है भाई,